अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहाँ पर आपके साथ बहुत बड़ी और अहम खबर शेयर करेंगे और क्रिकेट की दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी और अहम ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद आमिर की वापसी के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान की अब हुकूमत नहीं रही, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ चुकी है और रमीज़ राजा ने भी रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, PCB के नए चेयरमैन नजम सेठी ने एक बड़ा ऐलान किया है और मोहम्मद आमिर की पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापसी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ताज़ा तरीन रिपोर्ट से आपको आगाह करूंगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को मज़ीद अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आपको बताता चलूं कि मोहम्मद आमिर ने अपनी रिटायरमेंट वापस लेने का ऐलान किया है और मोहम्मद आमिर को दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया गया है और आज अब जितने भी मैचेज़ होंगे या जितनी भी सीरीज़ होंगी किसी दूसरे मुल्कों के साथ, उन तमाम सीरीज़ में मोहम्मद आमिर आपको खेलते नज़र आएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये क्रिकेटर शायकीन के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। कई अरसे से मोहम्मद आमिर को मैच फिक्सिंग के सिलसिले में पीछे बिठाया हुआ था और अब मोहम्मद आमिर को टीम में शामिल कर लिया गया है।